हेलो गाइस अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर छः पे और ये हो गया बिलर ठीक है हो गया सही बिलर सही हो गया एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन यार ये क्या क्या चेक कर चक्कर है मतलब जब बिलर मारना चाहते हैं जब तो लगता नहीं अच्छा है जब नहीं मारना चाहते तो बिलर लगता है भाई अलग ही चीज़ है अब वन पॉइंट फाइव मीटर टोल बॉयज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस डेढ़ मीटर का लंबा लड़का है एक ठीक है और वो खड़ा है एक बिल्डिंग से एक बिल्डिंग है तीस मीटर की ऊँची बिल्डिंग है ये ये लो तीस मीटर की ऊंची बिल्डिंग है एक लड़का यहाँ पे खड़ा है डेढ़ मीटर का ठीक है इसे मिलाओ पहले से ठीक ये डेढ़ मीटर का लड़का यहाँ से खड़ा यहाँ खड़ा है तो उसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज हाइस टू द टॉप ये बिल्डिंग का टॉप है और ये इसकी आँख है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये पहले था तीस इंक्रीजेस फ्रॉम थर्टी टू सिक्सटी पहले तीस था फिर सिक्सटी हो गई जैसे ही इसकी तरफ को चला बंदा यहाँ आ गया ठीक है बच्चा यहाँ आ गया जैसे चलता चलता यहाँ आ गया यहाँ ठीक तो ये हो गया सिक्सटी देखो एंगल बढ़ ही गया सीधी सी बात है जब और आगे जाएगा आगे जाते तो और बढ़ जाएंगे यहाँ पौस्सी नब्बे डिग्री हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों वो कह रहा है कि वो कितनी दूर चला फाइन द डिस्टेंस ही वॉकड ये कितना चला हो ये यानी कि ये बात तो एक ही है ये कितना चला तो ये तो यार मतलब इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ है नहीं ईजी पीजी है तो हम ये देखेंगे इसको वाई ले लो ठीक इसको एक्स ले लो अब ये बताओ जब ये तीस है सारी और ये डेढ़ मीटर है यहाँ से यहाँ तक डेढ़ मीटर है यहाँ से यहाँ तक तो ये बच्ची को जो हो गई समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा ये कितनी हो गई ये वाली ये सिर्फ़ ये तो ये हो गई तीस में से डेढ़ घटा दो साढ़े सत्ताईस की हो जाएगी ना साढ़े अट्ठाईस की यहाँ को लिख दो अट्ठाईस पॉइंट पाँच मीटर ठीक दिख रहा है ना वीडियो में हाँ साफ दिख रहा यार। 720 है यार सेवन ट्वेंटी में बना रहा हूँ इतनी टेन एट्टी में बन रही है ठीक है बहुत सारे एम भी खर्च होंगे अपलोड करने में <laughs> चलो कोई नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा वीडियो देखो और मौज करो अब ये देखो हमें लगाना क्या क्या फॉर्मूला इस वाले फार्मूले में वाई निकालना है तो वाई क्या है नीचे बेस में है और ये अट्ठाईस जो है अट्ठाईस पॉइंट पाँच है ये परपेंडिकुलर। तो क्या लगेगा इसमें इसको नाम दो ए सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी जब हमें दे रखा है परपेंडिकुलर और बेस तो लगाएंगे कौन सा टेन थीटा टेन सिक्सटी पर है अट्ठाइस पॉइंट पाँच और बेस कितना है वाई ठीक है y के मल्टीप्लाई इधर पहुँचाओ ठीक y बराबर ट्वेंटी पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई रूट थ्री रूट कभी भी अच्छे नहीं लगते नीचे तो इसलिए रूट को हटाया जाता है कहाँ से गुना करके ऊपर नीचे ऊपर हो जाएगा अट्ठाईस पॉइंट फाइव रूट थ्री नीचे हो जाएगा थ्री तीन तीन अट्ठा चौबीस तीनम सत्ताईस तीन पंजे पंद्रह तीनम सत्ताईस और तीन पंजे पंद्रह नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री ठीक है कोई दिक्कत नहीं ऐसे रहने दो रूट में भी ये आ गए नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री हमें तो ये निकालनी है एक्स हमें वाई थोड़ी निकालनी हमें तो ये निकालना कितना चला यहाँ है से यहाँ तक तो अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो ठीक है यहीं कर दूँ इन ट्राइंगल ए बी डी टेन थीटा यानी कि टेन तीस इक्वल टू परपेंडिकुलर अट्ठाईस पॉइंट पाँच डिवाइडेड बाई बेस अब यहाँ है बेस एक्स प्लस वाई अब वाई तो हम निकाल चुके हैं नौ पॉइंट फाइव रूट थ्री और टेन थ्री टेन थीटा की वैल्यू होती है वन बाय रूट थ्री वो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई अट्ठाईस पॉइंट पाँच रूट थ्री एक्स इक्वल टू अट्ठाईस पॉइंट फाइव रूट थ्री इसको सेपरेट कर लो यहाँ से ए ये लो ठीक माइनस नौ पॉइंट पाँच रूट थ्री साढ़े अट्ठाईस में से सा साढ़े नौ गए कितने बचे घटा लो ना रूट थ्री तो आएगा ही आएगा और ये बचेगा जीरो और अट्ठाईस में से नौ गए नौ आठ सत्रह आठ आठ चौसठ अट्ठारह में से नौ गए नौ यानी कि उन्नीस नाइनटीन रूट थ्री ठीक है नाइनटीन रूट थ्री आंसर है चेक कर लो यही है ठीक है तो मतलब रूट थ्री की वैल्यू दे देता तो हम रूट थ्री भी रख देते दे। नहीं दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है अपन के लिए तो क्वेश्चन ईजी है ठीक चलो अब अगर मज़ा आया हो क्वेश्चन पढ़ने में मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो अच्छा लगा तो लाइक मारो बुरा लगा तो डिसलाइक मारो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि तुम्हें लाइक ही करना है पर शेयर ज़रूर करो यार हाँ कमेंट ज़रूर करो दोस्तों कि भाई यहाँ पे गलती रही है यहाँ पे मज़ा आया ठीक है गलती रही तो भी बताओ मज़ा आया तो भी बताओ बस कमेंट ज़रूर करो यार दोस्तों मोटिवेशन मिलता मुझे